वेलकम टू माई चैनल माई नेम इज़ हमज़ा हाशमी आई एम गोल्ड मेडलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज जो कि एक ही डिग्री थी मास्टर्स की और फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपनी आ, जो स्टूडेंट्स हैं जो जूनियर्स हैं जो आने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा की जाए कि ये सारा कंसेप्ट जो है वो उर्दू और हिंदी लैंग्वेज जो है इसके अंदर दिया जाए तो अगर तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचाई जा सकें तो आज का टॉपिक है हमारा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या आप कह लें ट्रामेटिक थेरी जो है वो क्या है उसका लिटरेचर में क्या रोल है अगर आपने ट्रामा थेरी पढ़ ली है तो उसको यूज़ करते हुए किस तरह से आप डिफरेंट टेक्सट जिसमें नावल आ जाता है जिसमें ड्रामा आ सकता है नावल आ सकता है प्ले आ सकता है फ़िक्शन नॉन फिक्शन पोइट्री प्रोज दोनों तरह का किसी भी तरह का किसी भी राइटर का कोई भी वर्क है आप वर्क छोड़ें कोई ना कोई न्यूज़ ही क्यों नहीं आ जाती या किसी न किसी पॉलिटिशियन का को कोई बयान आ गया या किसी का को कोई चले टेक्स्ट मैसेज आ गया ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं आपको उठा के दे रहा हूँ टेक्स्ट मैसेज ही क्यों ना आ गया तो उसको भी आप एनालाइज़ करने के काबिल हो जाएं ठीक है वो थेरी को अप्लाई करते हुए तो थे थेरीज बेसिकली फ्रेमवर्क्स होते हैं आप लोगों को आइडिया होगा कि थेरीज़ जो हैं वो फ्रेमवर्क्स होती हैं और फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हुए बेसिकली आप, आपको एक सोचने का तरीका वो दिया जाता है कि आपने चीज़ों को किस तरह से सोचना है किस तरह से देखना है और किस तरह से इंटरप्रेट करना है तो ये है सारी की सारी गेम और आज हम इसमें ये देखेंगे कि आपने किस तरह से चीज़ों को ट्रोमेटिक थेरी उसके ज़रिए से देखना है तो ट्रोमेटिक थेरी को समझने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रॉमा की स्टडीज़ भी होती हैं ट्रॉमा की स्टडीज़ क्या होती हैं साइकोलॉजिकल ड्रामा और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन जब लैंग्वेज में कर दी जाए ठीक है ओरिजिनल साइकोलॉजिकल ड्रामा के जो काजेज़ हैं वो साइंस में पढ़े जाते हैं लिटरेचर के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल ड्रामा की रिप्रेजेंटेशन को देखोगे कि लैंग्वेज में किस तरह से वो सामने आ रहा है इसके अलावा रोल ऑफ़ मेमोरी देखेंगे और रोल ऑफ़ मेमोरी और लैंग्वेज की रिप्रेजेंटेशन को समझते हुए एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी और उसके साथ जुड़ी हुई कल्चरल आइडेंटिटीज़ जो हैं ये तीनों चीज़ें रोल ऑफ मेमोरी रिप्रजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कनेक्टेड कल्चरल आइडेंटिटीज़ ये सारी ये तीनों चीज़ें जो है ड्रामा स्टडीज़ में फॉलो करती हैं अब जब इसका साइको एनालिटिक थेरी जो है वो लगा कर साइको एनालिटिक थेरी ऑफ कोर्स सिगमेंट फ्राइड की है तो वहाँ पर हमें सिगमेंट फ्राइड का इसमें मेजर रोल जो है आप कह लें फर्स्ट नोट जो है वो सिगमेंट फ्राइड का है तो साइको एनालिटिक थेरी जो है सिगमेंट फ्रॉयड की जो दी हुई है साइको अनिलिटिक थेरी को ड्रामा साइको अनिलिटिक थेरी और इसके साथ साथ जो दूसरी थेरीज हैं जैसे कि पोस्ट स्ट्रक्चरल है सोशो कलचरल है पोस्ट कॉलोनील है इन थेरी को मिक्स कर दिया जाएगा ठीक है साइको अनिलिटिक का थेरी इसको बेस बनाया जाएगा और इसको बेस बनाते हुए दूसरी थेरीज जो हैं उनका इसके अंदर एज इन्फीरियर सेकेंड सेकेंड पॉइंट पर उनको रखा जाएगा और उनके तहत जो है वो क्रिटिसिज़म किया जाएगा और एक इंटरप्रिटेशन बेसिकली बनाई जाएगी बेसिक काम जो है आपका आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और आपको कहा जाता है कि इसको साइको एनालिटिक वे में जो है वो इसका एनालिसिस करें या इसके बारे में ओपिनियन जो है वो जनरेट करें तो आप एक इंटरप्रिटेशन बनाते हैं हमेशा ये याद रखिएगा इंटरप्रिटेशन आपने बनानी है आपने उसको देखना है उसको रीड करना है उसको लिंक करना है और लिंक करने के बाद आपने एक ओपिनियन देनी है तो वो ओपिनियन आपकी इंटरप्रटेशन है तो लिटरेचर में यही सबसे अमेजिंग जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसके अंदर कुछ भी नथिंग इज़ डिफाइंड एबसोल्यूटिज़म का कोई कंसेप्ट नहीं है तो यू कैन मेक योर ऑन परसेप्शन यू कैन डू योर ऑन इंटरप्रटेशन तो कंसेप्ट ऑफ ड्रामा ये इसके अंदर मेन अहमियत रखता है इस थेरी के अंदर कि कंसेप्ट ऑफ ड्रामा जो है वो क्या है तो कंसेप्ट ऑफ ड्रामा सबसे पहले और इट् सेल्फ अ सोर्स ऑफ क्रिटिक ये एक ख़ुद ही एक क्रिटिक है और जनरली जो है आ, इसका कंसेप्ट ऑफ ड्रामा का डायरेक्ट जो लिंक है वो इमोशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है सेल्फ इमोशनल ऑर्गेनाइजेशन एक बंदे की अपनी ज़ात की जो इमोशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह की है तो उसके साथ ये बरसलिन करता है और इसके अलावा जब आपकी एक सेल्फ़ इमोशनल ऑर्गेनाइजेशन या करैक्टर की सेल्फ़ इमोशनल ऑर्गेनाइजेशन या उसकी जो अटरेंसेज हैं या उसकी जो यूज़ ऑफ लैंग्वेज है या उसकी जो वर्डिंग है, है उसकी अपनी इमोशन सेल्फ़ इमोशनल ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ साथ परसेप्शन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं नंबर वन सेल्फ इमोशनल ऑर्गेनाइजेशन और नंबर टू perception ऑफ़ द एक्सटर्नल वर्ल्ड आप किसी करैक्टर आपको कहा जाता है कि हेमलेट फॉर एग्ज़ाम्पल हेमलेट का अनालिस करें तो आप हेमलेट को दोनों तरह से देखोगे नंबर एक उसका सेल्फ इमोशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या था और नंबर टू उसकी परसपन ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड क्या थी इसी तरह से आप कोई और करेक्टर उठा लें ठीक है आप डारसी का करेक्टर उठा लें आप एलिजथ का करेक्टर उठा लें तो ये जितने भी करेक्टर्स आपको दिए जाते हैं या कोई स्टोरी दे दी जाती है तो आपको कुछ लाइंस लाइंस तो खैर नहीं कहेंगे इसके लिए हमें सब्जेक्ट ज़रूरी है तो करेक्टर का होना ज़रूरी है और करेक्टर का सेल्फ इमोशनल ऑर्गेनाइजेशन आप फिर अच्छा सेल्फ और इमोशनल uh, ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप देखेंगे आप उसके वर्ड्स उठाएंगे लाइंस उठाएंगे डायलॉग्स उठाएंगे उन डायलॉग्स को आप लिंक करेंगे कि कौन से डायलॉग्स के अंदर बंदा जो है या बंदी जो है वो सेल्फ़ इमोशनल मतलब अपनी ही ज़ात अपनी ही अप, अपनी जात से जुड़े हुए इमोशंस की बात कर रही है या कर रहा है और सेकंड पॉइंट पर आप देखेंगे कि एक्सटर्नल वर्ड जो है उसकी कैसे हेमलेट की सोल आप लोगों ने पढ़ी होगी कोर्स यू आर स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर अगर नहीं भी पढ़ी तो टू बी और नॉट टू बी ये उसकी बहुत ही फेमस एक सोल है तो ये उसकी सेल्फ इमोशनल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बेहतर तरीके से बताता है बल्कि ना सिर्फ सेल्फ इमोशनल ऑर्गेनाइजेशन को बताता है उसके परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी बताता है तो ये एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू था इसको आप अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप बताइएगा ये मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं की थेरी मैंने जस्ट आपको वे बताया है कि आप इसको यूज़ कैसे करेंगे और थेरी के दो से तीन पॉइंट्स बताएँ और आ, इनशाला मेरी कोशिश होगी कि आइंदा आने वाली वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट uh, मजीद इसके एक्सपेक्ट्स जो हैं वह आहिस्ता आहिस्ता जो है डिफरेंट वीडियोस के अंदर डिफरेंट uh, जो है वो uh, काम जो है आपके सामने रखूं थैंक यू सो मच इफ यू रियली लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो कि लिटरेचर पढ़ रहे हैं एंड जो लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं जिनको लिटरेचर में इंटरेस्ट है या जिनका जिनको असाइनमेंट्स वगैरह मिली हैं वो भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू सो मच